साथ बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर, ये नजारा, ये भीड़ क्या कहती है, क्योंकि अब मामला पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ बढ़ चला है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये भीड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता के विश्वास का प्रतीक है, और हम लोग इसीलिए यह रोड शो इसका एक प्रतीक बना हुआ। सर, 172 सीटों का चुनाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हवा उड़ चुकी है बीजेपी की। ये चुनाव, जो मैंने पहले दिन कहा था, अब तक का जो रुझान है वो बताता है कि 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 20% में मुकाबला है बसपा, सपा और कांग्रेस में। तो ये चुनाव तो 80-20 का बन चुका है। 80% सीटें 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी कहती है कि आप इस बयान के साथ आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। हम पोलराइज नहीं कर रहे, मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो पब्लिक का रुझान है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। पब्लिक का रुझान वो भी अपनी तरफ ही बता रहे हैं। ये जो भीड़ है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक है। लेकिन जिस पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। मतलब करहल की गाड़ी फंसी हुई है। करहल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पर एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए तो आपको उपयोगी बता ही दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। राजेश्वर जी के लिए क्या कहेंगे, आपके सुपर टॉप रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी हैं और पहली बार राजनीति में आए हैं, जनता का पार इसने उन्हें प्राप्त हो रहा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी में योगी उपयोगी हो चुके हैं, तो वो दिखाई भी पड़ता है। ये सरोजनी नगर का दृश्य है, और सरोजनी नगर की ये भीड़ और इस सड़क पर जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में न सिर्फ उत्साहित है बल्कि आश्वस्त है कि 2022 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। ABP News, आपको रखे आगे।